ट्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर बीएल कुमार, बीएल के एग्रीकल्चरल एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन कैलकुलेट करते हैं कि हर्बिसाइड की कॉमर्शियल मात्रा कैसे कैलकुलेट करते हैं, शाकनाशी की जो वाणिज्यिक मात्रा होती है, क्योंकि जो भी अपना हर्बिसाइड्स आता है वो कोई न कोई अदर होता है, जो कोई हो सकता है एसिड इक्विवेलेंट फॉर्म में हो वो, या फिर अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म में हो, तो उसको बदलने का एक फॉर्मूला है। तो उसकी जो यूनिट का, सबसे पहले इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे एक तो यूनिट ग्राम पर हेक्टर दे रखा, केजी पर हेक्टर दे रखा है, पहला नंबर तो ये। दूसरा चीज, इसमें जो फॉर्मूला है वो है रिकमेंडेड डोज ओवर परसेंट कंसंट्रेशन इन द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू एरिया। अब एरिया का ध्यान रखना है, सिर्फ हेक्टर की यूनिट आती तो 1 हेक्टर के लिए पूछा, 1-2 के लिए पूछा, तो ये चीज़ अपनी होनी चाहिए। और हेक्टर का भी कंसेप्ट अपने पास क्लियर होना चाहिए। देखिए 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर बराबर होता है, या 2.47 एकड़ इसके इक्विलेंट होता है। अब देखिए, आपको पता हेक्टेयर को एच से नोट किया जाता है, जबकि हेक्टेयर की स्पेलिंग HECTARE होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए ये दो वर्ड से बना है, हेक्टा प्लस आर। हेक्टा का मतलब भी 100 होता है और आर का मतलब भी 100 होता है, तो यहाँ से ये 10,000 अपने कंसेप्ट में आया है। अब अपन देखते हैं कि कॉमर्शियल डोज के दो तीन में उदाहरण देकर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन कि डायूरिन 80% WP है, इसके रिकमेंडेड डोज 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको प्री इमरजेंस एप्लीकेशन करनी है 1 हेक्टर के लिए, तो कॉमर्शियल डोज की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी? तो अपन फॉर्मूले के अनुसार जाते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट मात्रा किलोग्राम में दी है, केजी पर हेक्टेयर में, और उसके बाद इसका परसेंट कंसंट्रेशन पे जाते हैं। तो 80 इसका WP है इंटू 100 इंटू 1 हेक्टेयर। अब इसको अपन गुणा भाग करते हैं तो अपना आता है, 0 से 0 कट गया। अब ये अपना 20 में अपन 8 का भाग देंगे, 8 × 2 = 16 है, 4 × 8 = 40, 2.5 kg पर हेक्टेयर आपको डायरेन की मात्रा की जरूरत पड़ेगी। अगला ये है कि ये तो पड़ेगी अपने 1 हेक्टेयर के लिए, अगर 1,000 मीटर स्क्वायर के लिए दे दे तो उसमें 10 का भाग दे दो, ठीक है। जो भी अपने को डोज पूछे उसी हिसाब से अपने को चलना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि जैसे कि आपको हर्बिसाइड है 80% DI का लेना है और 1 हेक्टर के लिए लेना है, ठीक है, और 80% और 1 किलो मात्रा देनी है, 1 किलो मात्रा देनी है। तो अब देखिए यहाँ पे यूनिट को क्या किया, 1 किलो को 1,000 में कन्वर्ट कर लिया, 1,000 में मतलब 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या किया है, कोई भी परसेंट डोज होती है उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए उसको बटे और में 100 इसका गुणा 100 किया जाता है, ठीक है, उसका ऊपर बटा आता है। तो इन्होंने डायरेक्ट यही कन्वर्ट कर दिया, ना कि आगे 100 लिखा। तो अपना 1000 बटेवा 80 × 100, मैं अगर 100/80 लिखूँ तो 0.80 भी लिख सकता हूँ, तो 1000 बटेवा 0.80। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, या इसको इससे भी सोल्व करूँगा तो भी आंसर वही आएगा, इससे सोल्व करूँगा तो भी आंसर ये आएगा। तो 1250 ग्राम मात्रा आ गई। अब 1250 ग्राम को आप चाहते किलोग्राम में बदल सकते हो, 1250 में 1000 का भाग दोगे ग्राम होता तो 1.25 kg आ गया आपका पर हेक्टेयर की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न अपन देखते हैं दोस्तों कि 2,4-D साल्ट की 80% इक्विवेलेंट डोज, एसिड इक्विवेलेंट डोज, सॉरी एक्टिव इंग्रेडिएंट डोज और 1.5 किलोग्राम मात्रा देनी है, तो कितने ग्राम क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए इसमें दो काम किया इन्होंने, सबसे पहले तो ये 101 इस केजी का मतलब हो गया अपने पास 1500 ग्राम। बात एक ही है, उसको ग्राम में निकालो चाहे किलोग्राम में निकालो चाहे या फिर इसको 1.5 kg कर दो, बात एक ही है। तो 1500 किलोग्राम 1500 बटेवा 80% डोज चाहिए गुड़ा 100, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गई, 15,000 में अपन कितने का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, ठीक है, तो 1875 ग्राम मात्रा आ जाएगी, और इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये मात्रा अपनी किलोग्राम आ जाएगी, 1.875 किलोग्राम। अगला एक और उदाहरण देखते हैं,
उस उदाहरण में क्या एक ही थोड़ा सा सवाल को चेंज किया, ऐसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 2,4-D की 80% इंग्रेडिएंट मात्रा ली, उसमें से 1/10 भाग लिया हेक्टेयर, 1/10 हेक्टेयर लिया, ना कि 1 हेक्टेयर के लिए पूछा, और डोज है अपनी 0.75 kg। तो यहाँ पे अपन 0.575 kg 80% डोज है इंटू 100 इंटू 1/10, क्योंकि 1/10 भाग के लिए पूछा है, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इजीली से सोल्व हो जाएगा, ये एक सुपर। अब अपने पास जो आंसर आएगा वो 0.75/8, ठीक है। तो ये आंसर इसका रहेगा अपने पास 0.09375। इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से गुणा कर लो तो 93.75 ग्राम फॉर 1/10 हेक्टेयर या 1000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपको 93.75 ग्राम 2,4-D की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों क्वेश्चंस को समझना है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसी की वे में जानना है तो आपका आंसर राइट होने के ज़्यादा चांस है। और आप थोड़ा सा डायरेक्शन भटक गए, स्पेशली यूनिट से संबंधित के हेक्टर में पूछा, एकड़ के लिए पूछा, और फिर दूसरी चीज़ किलोग्राम में पूछा, ग्राम में पूछा, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए लाइन को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसी डायरेक्शन में आप करिए तो आपका अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन इन्होंने देखिए, सिमाजेन की जो मात्रा पूछी वो आधे हेक्टर के लिए पूछ ली, 0.5 हेक्टर के लिए पूछ ली। तो मैं डेफिनेट है कि 2 किलोग्राम मात्रा चाहिए और 50% WP है इंटू 100, और आधा हेक्टर के लिए पूछी तो मैं 0.5 करूँ, 0.5 नहीं तो 1/2 करूँ, बात ही की है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया, 2 × 2 = 4, 4 × 0.5 = 2 kg, सीधा सा उत्तर है अपने पास, ठीक है। तो आप आपको कंफ्यूज ना होना। अगली चीज इसमें कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है जो PPM और परसेंट कंसंट्रेशन में दी होती है, तो यहाँ से कई लोग कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए PPM मतलब पार्ट पर मिलियन, 10 लाखवा भाग, एक मोलिक्यूल या 1 ग्राम डोज 10 लाख, 10 लाख पे पार्ट, यानी उसने में मिलाना है, यानी 1 mg in 1 liter और 1 gram in 1000 liter, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं कि कई बार परसेंट कंसंट्रेशन दे देते हैं और कई बार PPM कंसंट्रेशन दे देते हैं। इसमें कंफ्यूज ना होने का देखिए फॉर्मूला होता है PPM बराबर परसेंट डोज इंटू 10,000 होता है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने दिया कि 1000 PPM मतलब कितना हो गया, 0.1%। तो आप यहाँ गुणा करके देख लीजिएगा, 0.1 × 10,000, इसका मतलब आ गया अपना 1000 PPM, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो आप PPM को परसेंट में बदलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकाओगे, 1% भी नहीं हिचकाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि अगली बात अगर 0.5% है तो उसका मतलब 5000 PPM हो गया, 1% सॉल्यूशन है मतलब 10000 PPM हो गया। ये 1 × 2,4-D एसिड इक्विवेलेंट, ये एक 2,4-D की एग्जांपल समझा के दिया गया है। तो आप हमेशा इस चीज़ से कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि पार्ट पर मिलियन और परसेंटेज में अपन कैसे कैसे डिफरेंस करते हैं। तो मेनली ये इंपॉर्टेंट अपना फॉर्मूला याद रखना, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएगी आपको। थैंक यू दोस्तों, BLK एग्रीकल्चर एजुकेशन परिवार में बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।